हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेक माय ब्यूटी। और मैं मीनू फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और वीडियो लेकर। आज का जो वीडियो है उसमें मैंने आप सभी लोगों के लिए क्रिएट किया है ये बोल्ड पार्टी मेकअप लुक, जिसमें मैंने क्रिएट किया है पर्पल आई मेकअप विद दी बहुत ही लाइट शेड ऑफ लिपस्टिक के साथ, जो पार्टी में जाने के लिए, नाइट आउट पार्टी में जाने के लिए आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई होप आप सभी लोगों को मेरा ये मेकअप वीडियो अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पे अप्लाई करूंगी पतंजलि का एलोवेरा जेल। बहुत ही थोड़े से अमाउंट में मैंने इसे ले लिया है। पतंजलि एलोवेरा जेल अप्लाई करने के बाद मैं अपने फेस पे अप्लाई करूंगी ब्लू हेवन का एक्स फैक्टर का फाउंडेशन। मैं इसको अपने बैक हैंड पे ले लूंगी, देन डॉट डॉट करके मैं इसे अच्छी तरीके से अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैं अपने फेस पे अप्लाई करूंगी ब्लू हेवन की मेकअप स्टिक एज अ कंसीलर। देन मैं अपने सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर लूंगी। तो मैंने अपने फेस पे कंसीलर अप्लाई कर लिया है। नाउ फॉर द बेकिंग आई एम यूजिंग दी सिंथॉल गोदरेज के पाउडर को, मैं यहाँ टैल्कम पाउडर को यूज़ करूँगी फॉर बेकिंग माय फेस। मैं बहुत ही लिटिल अमाउंट में मैंने इसे अपने हैंड पे ले लिया है और मैं इसे अपने जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ वहाँ इसको अप्लाई कर लूँगी। तो जब तक मेरा फेस बेक हो रहा है तब तक मैं अपनी आईब्राउज को फिल कर लेती हूँ। और आईब्राउज को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ब्लश न्यूड पैलेट। तो इसमें से जो डार्क है उसे लेके अपने आईब्राउज को फिल इन कर लूँगी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने अपनी आईब्राउज को फिल कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपने हिलारी रोडा के आई शेडो पैलेट को। तो सबसे पहले मैं अपनी आईज को डेप्थ देने के लिए इसमें से जो ये येलोइश मस्टर्ड येलोइश काइंड जो कलर है मैं उसे अप्लाई करूँगी अपने आईजेस पे। इससे क्या होगा, इससे हमारी आईज़ को एक डेप्थ मिलेगी। सो मैंने इस शेड को अच्छी तरीके से अप्लाई करने के बाद इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। आफ्टर ब्लेंडिंग दिस कलर मैं यूज़ करूँगी इसमें से दिस पर्पलिश कलर, जिसे मैं अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी।
पहले मैं अपनी इस कलर को प्लेस करूंगी, देन उसके बाद उसको इनवर्ड्स अपनी आईज़ को अप्लाई करूंगी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसे अपने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई कर लिया है, नॉट इनर कॉर्नर, इट्स आउटर कॉर्नर पे, आउटर वी पे मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। उसके बाद इसमें से शेम डार्क ब्लू मैट कलर जो मैंने पहले अप्लाई किया था वो शिमरी कलर था, अब मैं मैट कलर सेम ब्रश से लेके अप्लाई कर लूँगी ऑल ओवर माई आईलेट्स। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसे अप्लाई कर लिया और इस आई शेडो पैलेट में जितने भी आई शेडोज हैं उनकी पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं ऑलरेडी इसका एक रिव्यू कर चुकी हूँ, आप वो रिव्यू चेक कर सकते हैं, मैं स्क्रीन पे कहीं पे भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं इसमें से जो शेप कलर का सिमरी शेड है उसको अपनी फिंगर्स की हेल्प से अप्लाई करूँगी अपनी आईलिड पे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा आई लुक प्रोवाइड कर रहा है। देन मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी सेम कलर अप्लाई कर लूँगी। देन मैं अगेन फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लेके अपनी आईज़ पे वो सेम जो हमने ट्रांजिशन कलर अप्लाई किया था उसे अप्लाई करते हुए अपनी आईज़ पे से जो भी हार्श लाइंस हैं उन्हें ब्लेंड कर लूँगी ताकि वो हमारा आई मेकअप एकदम ब्यूटीफुल सा निकले। देन मैं अपनी लो बॉर्डर लाइन पे अप्लाई करूंगी लैक्मे का आइकॉनिक काजल। मैं इसे अच्छी तरीके से अपनी टाइट लाइंस पे एंड अपनी लो बॉर्डर लाइन पे अप्लाई कर लूंगी। तो जो काजल मैंने अप्लाई किया है अब मैं इसे अपने आई शेडो के साथ जो मैंने लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई किया था उसके साथ उसे ब्लेंड कर लूँगी। देन उसके बाद जो भी मैंने बेकिंग के लिए पाउडर अप्लाई किया था उसे डस्ट आउट कर लूँगी और जो भी फॉल आउट्स होंगे वो साथ भी में क्लीन अप हो जाएंगे। देन उसके बाद मैं अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लूँगी। देन उसके बाद बारी आती है ब्रॉन्जिंग की, तो ब्रॉन्जिंग के लिए मैं ब्राउन शेड को अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। बहुत ज़्यादा ब्रॉन्जिंग नहीं करूँगी मैं, बहुत ही हल्के हाथों से ब्रॉन्जिंग करूँगी। देन मैंने जो भी पाउडर अप्लाई किया है उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी।
देन हमारी बारी आती है ब्लश की। तो ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी बहुत ही कोरल शेड एंड दिस वन। देन उसके बाद बारी आती है हाइलाइटिंग की। तो हाइलाइटिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन के ब्लश पैलेट्स में से हाइलाइटिंग कलर फॉर हाइलाइटिंग माय फेस। उसके बाद मैं अपनी आईज़ पे अप्लाई करूंगी ब्लू हेवन का मस्कारा। उसके बाद बारी आती है लिप्स की। तो लिप्स के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी MN की लिप ग्लॉस। ये लिप ग्लॉस नहीं है, ये लिपस्टिक ही है, बट बहुत ही अच्छा है, एक ब्यूटीफुल सा पीचेस काइंड ऑफ कलर है। तो बोल्ड आइजेस के साथ बहुत ही न्यूडिश काइंड ऑफ पीचेस काइंड ऑफ शेड बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उसके बाद मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी अपने DIY रोज़ वाटर को एज अ मेकअप फिक्सर। तो मैं इसे अच्छी तरीके से शेक कर लूँगी। और अपने ब्यूटी ब्लेंडर से इसे पुश करूँगी अपने मेकअप को। तो ये है हमारा फाइनल लुक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे मेकअप्स के वीडियोस लेके आऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो जाए। और सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज क्लिक दैट बेल आइकन विच इज नियरेस्ट टू सब्सक्राइब बटन, जो आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन देगा और आप लोग आसानी से मेरी सारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। टिल देन, बाय बाय।